हेलो दोस्तों, राकेश यूपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यूपी प्रयागराज के परेड ग्राउंड में हैं। परेड ग्राउंड में एक संत निरंकारी समागम चल रहा है, आज हम उसी का व्यू करने चल रहे हैं। इस समय हम परेड ग्राउंड में आ गए हैं। यहाँ पर इतने मात्रा में टेंट लगे हुए हैं कि जो देखने लायक है। हर एक टेंट में हजारों लाखों की संख्या में भीड़ है। यहाँ पर देखिए लोगों का आवागमन ज़बरदस्त है। हम भी अब वहीं पास में चल रहे हैं जहाँ पर समागम चल रहा है। ये एक मैप बनाया गया है। मैप के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि कहाँ पर किस चीज़ की व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना भीड़ दिखाई दे रहा है और सब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए चेकिंग गेट बनाया गया है, लोगों को चेक करके, यानी गुटखा या पान सिगरेट कोई नहीं लिया है। हम भी आगे चेक करा के आगे एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन तो बहुत कम ही ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। सब यही संत निरंकारी में जो स्वेच्छा से कार्यरत है वही अपने स्वेच्छा से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। सब विभाग कई विभागों में बांट दिया गया है, सबका अलग अलग कार्य है। किसी का सुरक्षा कार्य है तो किसी का हेल्थ कार्य है और किसी का पानी पिलाने का कार्य है, तो नाना प्रकार के यहाँ कार्य हैं। सब का कार्य बटा हुआ है। ये देखिए एक गेट लगा गया है, गेट के माध्यम से हम भी अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ भी देखिए महिलाएं और पुरुषों की सबकी कतारें अलग अलग लगी हुई है और आगे का भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त भीड़ है। यहाँ पर आगे जो हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, जस्ट आगे प्रवचन चल रहा है। यहाँ पर लोग मग्न मुद्रा में प्रवचन सुन रहे हैं। हम यहां से आपको पूरे परेड ग्राउंड का व्यू दिखा रहे हैं। देखिए चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर संत निरंकारी समागम के विषय में जानकारी देने का मेरा तरीका पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को नमस्कार एवं धन्यवाद।